ये हमारा मिट्टी का बर्तन है, इसमें हम छोंक वगैरह नहीं लगाते, लेकिन ये माइक्रोवेव में हम यूज करते हैं। आज मैं आपको एक जीरे का छोंक लगा हुआ, फायर किया हुआ, जिसमें स्मोकी फ्लेवर आता है, ऐसा एक रायता बना के दिखाऊंगा। सरसों के तेल का छोंक लगाते हैं उसमें, और यूपी में, मथुरा में और इधर हमारे यहाँ बहुत बनाते हैं उसको, और फायर बिल्कुल होती है उसमें। वो दाल चावल के साथ या आप खाने की किसी भी रेसिपी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है वो। कोई भी ड्राई सब्जियाँ होती हैं, जैसे हम कोई भी आलू फली किसी भी तरह की ड्राई सब्जी बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा ड्राईनेस रहती है, और कोई लिक्विड दाल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसके साथ ये रायता, पराठे के साथ सब्जी खा रहे हैं आप, उसके साथ दो दो चम्मच करके रायता, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। वो पूरा प्रोसेस में बना के आज दिखा रहा हूँ आपको, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने मट्ठा चला लिया दही का, और ये हमारा मिट्टी का बर्तन है, इसमें हम छोंक वगैरह नहीं लगाते, लेकिन ये माइक्रोवेव में हम यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल देता हूँ, ये डाल दिए, और इसमें थोड़ा थोड़ा सा, इसमें ये मट्ठा चला हुआ है, और ये मैं मसाले डालने के बाद, मैंने मट्ठा पहले चला लिया था, इसमें और कुछ नहीं करना है। गैस जला के एक करछी ऐसी एक ले सकते हैं गोल वाली, जिसमें कि आप, ये मेरा सरसों का तेल, और इसमें सरसों का तेल डालना है करछी में, और इसको गैस के ऊपर आपको इतना सा तेल डालना है, और इस तेल में कुछ नहीं डालना होता, सिर्फ जीरा डालना होता है। अभी ये तेल गरम हो जाएगा और इसमें फायर वो होगी, और इसको आप इसमें साथ ही जीरा डाल देंगे तड़के के साथ ही। और इसमें हम फायर करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा सेपरेट प्लेस में रख देते हैं, जिससे कि इसका वो ना आए, आग ऊपर की तरफ ना जाए। अब इसको अच्छी तरह पकने देते हैं जीरे को, थोड़ी देर में ये तेल गरम हो जाता है और इसमें आग लगनी शुरू हो जाती है। नॉर्मली कुकिंग करते समय लोग कोयले का टुकड़ा डालते हैं, हलवाई डालते हैं, शादियों में बनाते हैं, स्मोकी फ्लेवर के लिए दाल में भी डालते हैं, या दाल में जला के कुछ डालते हैं। और पुराने ज़माने में भी हमारे, मैंने देखा था हमारे पुराने घरों में, कि कोयले का टुकड़ा दाल में डाल देते थे, सब्जी में डाल देते थे स्मोकी फ्लेवर। और जो फॉरेन डिशेस खाते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं स्मोकी फ्लेवर के बारे में, कि चिकन को स्मोकी फ्लेवर कैसे उसके स्मोक में कुक करते हैं, या मटन को, या फिर उसको सीख कबाब को फायर के ऊपर कैसे स्मोकी फ्लेवर लाते हैं, और उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो ये वो स्मोकी फ्लेवर है जो कि मट्ठे के अंदर बहुत अच्छा वो रहता है, टेस्ट आता है। ये हमारा पूरी तरह जीरा और तेल ये पक चुका है, इसमें फायर होनी शुरू हो गई है, ये फायर है, मैं लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ इसको, और ये मट्ठे के अंदर सीधा ये डाल दूँगा, और ये हो गया, और ये इस तरह रख दिया इसको।